सदर मुमलिकत ने अदालती असलाहत बिल नजर सानी के लिए पार्लियामान को वापस भेज दिया। सदर आरिफ अलवी के मुताबिक बादी नजर में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं आता। पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के अलावा दीगर अदालतों के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल को वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा सदर मुमलिकत ने पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम करके सदर के ओहदे की बेतौकीदी की है। वो अपने ओहदे और आइन से बढ़कर इमरान न्याजी को अहमियत दे रहे हैं। मुतकब्बिराना आमरियत में लिपटे फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक आती है। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। हाफिज कुरान इजाफी नंबर्स केस में तफसीली नोट जारी। निजामे अदल को एक सियासी पार्टी के लिए दाव पर लगा दिया गया। चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें, अता तारड़ का मुतालबा। शेरी रहमान की सदर मुमलिकत पर तंकीद, कहा आरिफ अलवी सदर नहीं, अब भी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं। और हुकूमत से सिर्फ इलेक्शन पर बात हो सकती है। इमरान खान प्लस हो सकता है, माइनस नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ जस्टिस का फैसला इंसाफ पर मबनी है। असल मामले से तवज्जो हटाने के लिए कभी जजेस की तकसीम और कभी चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है।